फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिविल माफिया। फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट वीडियो था उस पर हमारा सिविल माफिया की फैमिली मेंबर्स ने कमेंट करके पूछा, सर कि कौन सी फाउंडेशन सबसे अच्छी होती है और हमें कैसे पता लगे कि हम कौन सी फाउंडेशन का कहाँ यूज करें। तो फ्रेंड्स, सभी फाउंडेशन अच्छी होती है अपनी अपनी जगह पर, और अगर आपको पता करना है कि हम फाउंडेशन को कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम उसके जो सॉइल का डाटा होता है ना उस पर्टिकुलर एरिया का, तो हम उस बेसिस पे वहाँ की फाउंडेशन को डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी फाउंडेशन आएगी। सो फ्रेंड्स, इसी बेसिस पे जो मैंने आज का टॉपिक है पाइल फाउंडेशन, आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना और हमें बताना आपको वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं पाइल फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यूज टू सपोर्ट कॉलम एंड ट्रांसफर लोड टू अंडरलाइंग सॉइल। फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो हमारी फाउंडेशन है वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, और इसका काम क्या होता है, जो हमारा कॉलम का जितना भी लोड है वो किस पे, सॉइल पे ट्रांसफर करना। पाइल फाउंडेशन आर द पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर यूज टू कैरी या ट्रांसफर द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टू बियरिंग ग्राउंड लोकेटेड एट सम डेप्थ बिलो ग्राउंड सर्फेस। फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो हमारा पाइल फाउंडेशन है वो ऐसा पार्ट है स्ट्रक्चर का, जितना भी लोड है स्ट्रक्चर का वो क्या करता है, सीधा हमारा जो ग्राउंड है बॉटम पे, वो किसी भी डेप्थ पर उसे लोकेट करता है ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए। अब पाइल इज अ सिलेंडर स्ट्रक्चर मेंबर मेड ऑफ स्टील, कॉन्क्रीट और वुड। फ्रेंड्स, जो हमारी पाइल होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, और क्या है, ये स्टील की भी हो सकती है, कॉन्क्रीट की भी हो सकती है और वुड की भी हो सकती है। अ पाइल इज आइदर ड्राइवन इनटू सॉइल और फॉर्म्ड इनटू इंस्टू मेंबर बाय एक्सकवेशन अ होल एंड फिलिंग इट विद कॉन्क्रीट। जो हमारा पाइल है वो कास्ट इंस्टू भी होता है, एक्सकवेशन अ होल के थ्रू भी हो सकता है और फिलिंग विद कॉन्क्रीट उसके थ्रू भी हो सकता है। फंक्शन ऑफ पाइल। As with other type of foundation, the purpose of pile foundation is to transmit a foundation load to a soil ground to resist vertical, lateral and uplift load. Friends, pile foundation का भी same use है, जो हमारा जितना भी load है उसको foundation पे lift करना, transfer करना, and उसका जो जितना भी vertical और uplift load है वो उसको भी हमारे जो ground है उस पर sustain करना और sustain करना। Then pile can be timber, concrete, steel and composite. पाइल डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है, टिम्बर की भी हो सकती है, हमारी कॉन्क्रीट की पाइल भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है और कंपोजिट की भी हो सकती है। नेसेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। व्हेन द स्टार्टअप बिलो द ग्राउंड सरफेस इज वेरी वीक टू सपोर्ट लोड ट्रांसमिट बाय द स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो हमारा टॉप का जितना भी लोड है वो जो हमारी सॉइल नहीं सह पा रही है, तब हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रक्चरल लोड थ्रू डीप वाटर टू अ फर्म स्टार्टअप। फ्रेंड्स, जो हमारा लोड है उसका ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्टली वो वाटर के थ्रू में आ जा रहा है या कुछ उसमें आ रहा है, तब भी हम पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। देन वेयर द सॉइल इज अ वाटर लॉग। फ्रेंड्स, इसका यूज हम वहां भी करते हैं जहां पे जो सॉइल है उधर पे पानी है, मिट्टी वाला जो सॉइल है या उस पर हम इसको यूज करते हैं। व्हेन द स्टार्टम ऑफ रिक्वायर्ड बियरिंग कैपेसिटी इज एज ग्रेटर डेप्थ। जो हमारा स्टार्टम का बियरिंग कैपेसिटी होता है वो जो हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है, तो हमें क्या है, उस पाइल को बॉटम तक जाना पड़ता है। इसका मतलब वहां पे हम नॉर्मल फाउंडेशन नहीं बनाएंगे, हम उसको क्या है, बॉटम तक लेके जाएंगे, तो हमारा उसका जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है। व्हेन द सॉइल इज हाईली कंप्रेसिबल, हम इसका यूज वहां भी करते हैं जहां पे सॉइल क्या है, दब जा रही है, कंप्रेस हो जा रही है, वो लोड नहीं सह पा रही, तब भी हम पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ पाइल। लोड ऑन द पाइल इज मोर देन द डिजाइन लोड। फ्रेंड, इसका मतलब है कि हम पाइल पे जो उसका मैक्सिमम डिजाइन लोड है उससे ज्यादा डिजाइन दे रहे हैं, तब भी पाइल फेल हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट ड्यूरिंग कास्टिंग, जब इसका कास्टिंग कर रहे हैं जो रीइंफोर्समेंट क्या है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है, तब भी पाइल फेल हो जाएगी। अब देन बियरिंग पाइल रसिस्टिंग ऑन अ सॉफ्ट स्टार्टा, जो हम पाइल है वो जो हमारा स्टार्टा है जिसपे हम उसे रसिस्ट कर रहे हैं या रख रहे हैं, तो वो भी अगर सॉफ्ट है तब भी हमारा पाइल फेल हो जाएगा। इम्प्रॉपर चॉइस ऑफ द टाइप ऑफ पाइल। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हमें कहीं पे कास्ट इंस्टीट्यूट पाइल करनी है और हम वहां पे टिम्बर पाइल कर रहे हैं, तब भी क्या होगा, हमारा जो फेलियर हो जाएगा। देन इनसफिशियंट रीइंफोर्समेंट इन द पाइल। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, जो हमारा रीइंफोर्समेंट एज पर डिजाइन है और हम वहां पे उसे कम रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, तब भी हमारा पाइल फेलियर हो जाएगा। डिके ऑफ टिम्बर पाइल ड्यू टू अटैक ऑफ इंसेक्ट्स। फ्रेंड्स, मान लीजिए हमने कहीं पाइल किया है और वहां पर इंसेक्ट्स आ गए, तो क्या इंसेक्ट्स टिम्बर को खा लेते हैं, आपको पता है लकड़ी को, तो इससे वो भी फेलियर हो जाएगा। बल्किंग ऑफ पाइल ड्यू टू इनएडुकेट लेटरल सपोर्ट।
कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, बल्क हो जाता है, ये समझिए एक तरह से पेट निकल जाना बल्किंग, आप समझ रहे हो, तब भी क्या होता है उसमें हमारा सपोर्ट नहीं लग पाया है, इस कारण क्या है फाइल भी फिर से फेलियर हो जाता है। डिफेक्टिव मेथड अडॉप्टिंग फॉर ड्राइविंग द पाइल, जो हम पाइल को कास्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उस समय हम क्या मेथड को प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, तब भी हमारे साथ होता है। इनकरेक्ट असेसमेंट ऑफ द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल, जब हमने पाइल का डिजाइन किया है या उसे असिस्ट किया है उस समय हमने क्या इसकी बियरिंग कैपेसिटी को करेक्ट तरीके से नहीं देखा है, तब भी ये फेल हो जाती है। लेटरल फोर्सेस नॉट कंसिडर्ड इन द डिजाइन ऑफ पाइल, फ्रेंड्स इसका मतलब है जब हम पाइल डिजाइन करते हैं ना तो उस समय हमें पाइल पर आने वाले सभी लोडों को पहले से सोचकर डिजाइन करना पड़ता है, स्पेशली लेटरल लोड। अगर हम इस चीज को नहीं उस पर कंसिडर करते हैं, तब भी हमारा पाइल फेल हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ पाइल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल एट साइट, फ्रेंड्स हम जब पाइल को सिलेक्ट करते हैं कि ये पाइल हमें यहाँ करनी है तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बेसिकली ये वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल, उस पर ये डिपेंड करती है कि वहाँ का स्ट्राटा कैसा है। देन डेप्थ टू ए स्ट्राटम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द पाइल, फ्रेंड्स ये उस डेप्थ को डिसाइड कर रही है जो हमारे पाइल को सपोर्ट करेगी, उससे नीचे हमारा जो पाइल है वो नहीं जाएगा, वहाँ पे ये हमें सपोर्टिव लेवल मिल जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन द डेप्थ टू सपोर्ट स्ट्राटम, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस लेवल पे डेप्थ तक हमारी पाइल को सपोर्टिंग लेवल मिल जाएगा, ये हम पहले से वेरिएशन ले लेते हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स फॉर पाइलिंग, जो हमारा मटेरियल है पाइल के लिए वो इजिली वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। देन नंबर ऑफ पाइल्स रिक्वायर्ड, कितना नंबर ऑफ पाइल हमें रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर एरिया को सपोर्ट देने के लिए। देन फैसिलिटी ऑफ ड्राइविंग पाइल, वहाँ पे काम करने के लिए जो हमें फैसिलिटीज बराबर होनी चाहिए ड्राइविंग पाइल के लिए। देन कंपेरेटिव कॉस्ट इन प्लेस, जहां हम ये काम कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना आएगा इस काम करने के लिए। देन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एडजस्टेंट टू द प्रोजेक्ट, फ्रेंड्स ये हमारे स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उससे कितना लोड आएगा हमारे पाइल पे या हमारे फाउंडेशन पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल बेस्ड ऑन मटेरियल, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लोड, बेस्ड ऑन यूज, बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल, फ्रेंड्स ये जितने भी हैं मटेरियल, उनके मेथड, मोड और उनके यूजेस और उनका डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्लासिफिकेशन है हमारे पाइल के, जो डिसाइड करते हैं कि हम कैसे उसे क्लासिफाई करें और कैसे हमें क्या चीज करनी है पाइल के लिए। लोड्स अप्लाइड टू पाइल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड मूवमेंट लोड मे बी अप्लाइड एट द सॉइल सर्फेस फ्रॉम द ओवरलेइंग स्ट्रक्चर, फ्रेंड्स जैसा आप डायग्राम पर देख रहे हैं जो हम लोड अप्लाई करते हैं पाइल पे वो हमारा वर्टिकल, हॉरिजेंटल और जो आइट साइड मूवमेंट जो लोड होता है वो हम उसे कंसिडर करते हैं जो हमारा ओवरलेइंग स्ट्रक्चर पे होता है। सेकेंड, फॉर द मेजोरिटी ऑफ फाउंडेशन द लोड अप्लाइड टू द पाइल्स आर प्राइमरली वर्टिकल, फ्रेंड्स हमारा जो मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर होता है उस पर जो हमारा फाउंडेशन पे लोड आता है वो वर्टिकल लोड आता है, हॉरिजेंटल लोड नहीं आता। देन फॉर पाइल्स इन जेटीज, फाउंडेशन फॉर ब्रिजेस, पियर्स, टॉल चिमनी एंड ऑफशोर पाइल फाउंडेशन द लेटरल रेजिस्टेंस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, फ्रेंड्स जो हमारा पाइल्स इन जेटर्स होती है और जो फाउंडेशन होता है, ब्रिजेस होता है, इवन मेट्रोज में पियर्स होते हैं, टॉल चिमनीज होती हैं और ऑफशोर पाइल फाउंडेशन होती है, उस पर हमारा जो लेटरल फोर्स होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करता है अप्लाइड लोड्स के लिए। पाइल ड्राइविंग मेथड, ड्रॉप हैमर मेथड, स्टीम हैमर मेथड, बोरिंग, स्क्रूइंग, वाटर जेट। ड्रॉप हैमर, हैमर इज रेज्ड बाय अ रोप और अ स्टील केबल, फ्रेंड्स इसका मतलब है एक हैमर होगा वो रोप के थ्रू रेज होगा, वो भी स्टील केबल के थ्रू ऊपर अप करेंगे, देन इट इज अलाउड टू ड्रॉप ऑन अ पाइल केबल, फिर से हम क्या करेंगे डायरेक्टली जो हमारा पाइल केप है उस पर सडनली ड्रॉप करेंगे। द वेट ऑफ ड्रॉप वेरीज फ्रॉम 230 टू 1800 केजी, जो हमारा ड्रॉप का वेट होगा वजन उसे 230 टू 1800 केजी होगा। वेट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड लेंथ ऑफ अ पाइल एंड देन द नेचर ऑफ ग्राउंड, जो हमारा वेट होता है बेसिकली वहां का लेंथ, शेप और पाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वहां के ग्राउंड का उस पर वो डिपेंड करता है। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इस पूरे प्रोसेस में फ्रेंड्स एक बहुत लंबा और बहुत ज्यादा टाइम हमारा यूज होता है। फ्रेंड्स ये कैसे होता है आप हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे और इसे एनालाइज करिएगा ये कैसे हो रहा है। स्टीम हैमर, अ हैवी हैमर इज ड्रॉप्ड ऑन द पाइल
थ्रू अ स्मॉल हाइट बट इन अ क्विक सक्सेशन। फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हमारा हैमर हम इस पर ड्रॉप करेंगे वो छोटी हाइट से होगा, मगर जो उसका सेशन होगा बहुत जल्दी हम उसे ड्रॉप करेंगे एकदम सडनली। सेकेंड, अ स्टीम सिलेंडर एंड पोजिशन यूज यूज। इसमें जो हम मटेरियल और जो इसका यूज करते हैं वो स्टीम एंड पिस्टन का यूज करते हैं सिलेंडर का। स्टीम प्रेशर एंड द रेट ऑफ हैमर ब्लोज आर केप्ड यूनिफॉर्म। जो स्टीम प्रेशर होता है और जो हैमर्स का उसका ब्लो जो हम इसे मार रहे हैं, पंच कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं, वो क्या है हमारा एक कंटिन्यूस रेट और यूनिफॉर्म के थ्रू हम इसे करते हैं। स्टीम हैमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगल एक्टिंग टाइप एंड डबल एक्टिंग टाइप। बोरिंग, समटाइम्स पाइलिंग इज डन बाय बोरिंग होल्स ऑफ सुटेबल डायमीटर टू द रिक्वायर्ड डेप्थ एंड देन ड्रॉपिंग पाइल इन देम। फ्रेंड्स इसका मतलब है समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं जो पाइलिंग है वो होल्स के थ्रू करते हैं, यानी वहां पे बोरिंग करते हैं एक सुटेबल डायमीटर की जो हमें पता होता है, वो भी एक रिक्वायर्ड डेप्थ का, कि मान लो हमें यहाँ से 30 मीटर जाना है, 40 मीटर जाना है, और उसके बाद हम उस पर पाइल का केज ये सब उतारते हैं और उसके बाद अपना कास्टिंग करते हैं। जनरली ये कहाँ पर यूज होता है, जो हमारा कास्ट इंस्टीट्यूट पाइल होता है ना वहां पर इस मेथड को यूज किया जाता है। स्क्रूइंग, स्क्रू पाइल्स आर डिस्क पाइल आर जनरली ड्राइव बाय दिस मेथड। दे आर ड्राइव इन टू द ग्राउंड बाय टर्निंग देम राउंड एंड राउंड इन वन डायरेक्शन विथ बिग लेवर। फ्रेंड्स स्क्रूइंग जो होता है ना, आपने हाइड्रोलिक रिग मशीन देखा होगा जिसके थ्रू हम ये पाइलिंग करते हैं, इसमें क्या एक सर्कुलेटर रोटेटरी पिन टाइप का सिस्टम होता है जिसपे सामने पिस्टन्स होते हैं जो बहुत नुकीले होते हैं, जिससे क्या है हम मिट्टी को काटते हैं और स्क्रूइंग के थ्रू पाइलिंग करते हैं। फ्रेंड्स इसे आप नेक्स्ट स्लाइड्स पर देखेंगे कैसे होता है। वाटर जेट्स, पाइल ड्राइविंग कैन ऑल्सो बी डन डिस्प्लेसिंग द मटेरियल एट ऑन नियर द फुट ऑफ द पाइल बाय मीन्स ऑफ वन और मोर वाटर जेट्स अंडर प्रेशर। फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हमारा पाइल ड्राइविंग हम करते हैं वो क्या है डन बाय डिस्प्लेसिंग ऑफ मटेरियल नियर द फुट ऑफ पाइल मीन्स वन और टू वोर वाटर जेट्स अंडर प्रेशर। इस पर हम जो जेट्स प्रेशर यूज कर रहे हैं वन और टू के। समटाइम्स हैमर मे बी यूज टू फोर्स द पाइल रैपिडली अंडर द ग्राउंड। समटाइम्स हम क्या करते हैं जो पाइल को है उसको क्या हम हैमर के थ्रू रैपिडली उस पर पंचिंग करते हैं और उसे ग्राउंड्स के अंदर करते हैं। द प्रेशर ऑफ द जेट शुड बी सफिशियंट टू डिस्प्लेस द सॉइल फॉर ड्राइविंग द पाइल्स क्विकली एंड सेटिस्फैक्ट्री। जो हमारा जेट का प्रेशर होना चाहिए वो इतना सफिशियंट होना चाहिए कि जो हमारा सॉइल है उसको डिस्प्लेस करे और पाइल को क्विकली सेटिस्फैक्ट्री अंदर ट्रांसफर करे। एडवांटेज ऑफ पाइल फाउंडेशन, प्रोवाइड्स अ कॉमन सोल्यूशन टू ऑल डिफिकल्ट फाउंडेशन साइड प्रॉब्लम। फ्रेंड्स जो हमारा पाइल फाउंडेशन होता है ये सभी प्रकार की जितनी भी फाउंडेशन होता है ना उससे सबसे अच्छा होता है और एक कॉमन होता है, हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, पाइल फाउंडेशन आप किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर पर यूज कर सकते हैं किसी भी जगह पर। कैन बी यूज इन एनी टाइप ऑफ सॉइल, फ्रेंड्स इस पाइल को हम किसी भी टाइप की सॉइल पर यूज कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैक कॉटन हो, क्ले हो, सिल्टी हो, हर टाइप की सॉइल पर हम इसे यूज कर सकते हैं। नाउअडेज पाइल फाउंडेशन इज वास्टली इन यूज इंस्टेड ऑफ वेल एंड कैशियन फाउंडेशन। फ्रेंड जो हमारा पाइल फाउंडेशन होता है आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है किसी भी अदर टाइप ऑफ फाउंडेशन के। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने जो पूछा था ना हम किस तरह की फाउंडेशन यूज करते हैं और कौन सी फाउंडेशन सबसे अच्छी होती है, तो आपको शायद अब जवाब मिल गया होगा कि सबसे ज्यादा मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो है पाइल फाउंडेशन, जो हर जगह का स्टार्टर की लोड बेयरिंग कैपेसिटी ईजी कर लेता है।